हमने लास्ट लेक्चर में सीखा ये था कि जो मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है वो कब पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो टू वेरिएबल्स में है वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और इससे बनती हैं पेयर ऑफ लाइंस उस वक्त जब ये जो कोफिशेंट्स हैं उनसे बनाया गया ये वाला डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो। और अगर दो लाइंस बनती हों और उनके दरमियान बनने वाला एंगल थीटा मालूम करना हो तो टेंजेंट थीटा इस फार्मूले से मालूम किया जा सकता है। इन बातों को जहन में रखते हैं और एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट 5 क्वेश्चन में वो कह ही रहा है कि एग्जामिन करें कि जो गिवन इक्वेशन है वो टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं। पहले एग्जामिन करना है, डिसाइड करना है कि टू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं, और अगर कर रही है तो फिर वो दोनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस भी मालूम करनी है। यानी फर्स्ट 5 क्वेश्चन में हमने दो काम करने हैं। पहले डिसाइड करना है कि पेयर ऑफ लाइंस बन रही हैं या नहीं, और जब डिसाइड हो जाए और नतीजा ये निकल आए कि बन रही हैं तो वो दोनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस भी मालूम करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन है 10xy प्लस 8x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। हमने सबसे पहले डिसाइड करना है कि इससे पेयर ऑफ लाइंस बन रही हैं या नहीं। उसके लिए इस डिटर्मिनेंट को चेक करना है। अगर 0 है तो लाइंस का पेयर बन रहा है, नहीं 0 है तो पेयर ऑफ लाइंस नहीं बन रही हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत है ए बी एच जी एफ और सी की। ए क्या चीज़ है? एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट है। इस इक्वेशन में हमारे पास जो एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब है ए की वैल्यू 0 है। और बी जो है वो वाई स्क्वेयर का कोफिशेंट है, और इस इक्वेशन में हमारे पास वाई स्क्वेयर भी नहीं है। वाई स्क्वेयर नहीं है तो वाई स्क्वेयर का कोफिशेंट यानी बी भी 0 है। जो एक्स वाई का कोफिशेंट है वो 2h है, और यहाँ एक्स वाई का कोफिशेंट 10 है यानी 2h की वैल्यू 10 आ गई। अगर 2h की वैल्यू 10 आ गई तो h की वैल्यू ऑब्वियसली 2 से डिवाइड करके 5 हो गई। x के कोफिशेंट का नाम 2g है। यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशेंट 8 है यानी 2g की वैल्यू हमारे पास 8 हो गई, और 2 से डिवाइड कर दें तो g की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। और जो y का कोफिशेंट है उसका नाम 2f है, और यहाँ y का कोफिशेंट -15 है यानी 2f की वैल्यू -15 आ गई, और 2 से डिवाइड कर लें तो f की वैल्यू -15/2 आ गई। और कांस्टेंट टर्म जो है वो c है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -12 है यानी c की वैल्यू हमारे पास -12 आ गई। अब हमने इस डिटर्मिनेंट को हल करना है और चेक करना है 0 है या नहीं है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, कौन सा वाला? ए एच जी, एच बी एफ और जी एफ सी। ए की वैल्यू इस वक्त हमारे पास 0 है, एच की वैल्यू हमारे पास 5 है, जी की वैल्यू हमारे पास 4 है, एच की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू -15/2 है, जी की वैल्यू 4 है, एफ की वैल्यू -15/2 है, और सी की वैल्यू -12 है। इस डिटर्मिनेंट को हल करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। बहुत आसान बात है, मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूँ तो 0 के साथ जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, फिर -5, और -5 के साथ 5 वाली रो छोड़ देंगे और ये 5 वाला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। और फिर प्लस का 4 और 4 वाली रो और 4 वाला कॉलम छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। तो लेफ्ट साइड पे तो यही डिटर्मिनेंट जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ए एच जी, एच बी एफ और जी एफ सी। और राइट साइड पर इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। -5 की ब्रैकेट में आ जाएगा
5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर माइनस आएगा यानी प्लस हो जाएगा, और ये मेरे पास 30 आ जाएगा, और फिर प्लस 4 के साथ ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 75 बाय 2, और माइनस का 0 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 150 प्लस का, और ये वाला मेरे पास माइनस का 150, प्लस का 150 और माइनस का 150 तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास 0। और इस डिटरमिनेंट के 0 आने का मतलब हुआ कि गिवन इक्वेशन जो है उससे क्या बन रही है, पेयर ऑफ लाइंस बन रही है। तो नतीजा ये निकला कि गिवन इक्वेशन से पेयर ऑफ लाइंस बन रही है। पेयर ऑफ लाइंस तो हमने प्रूव कर लिया, एक काम कर लिया। क्वेश्चन में दूसरी डिमांड ये है कि वो दो लाइंस भी मालूम करनी है जो इस इक्वेशन से बन रही हैं। अब इस इक्वेशन से बनने वाली दो लाइंस कैसे मालूम, सोचने के डिफरेंट अंदाज हो सकते हैं। एक अंदाज तो यही हो सकता है जैसे हमने थ्योरम प्रूव करते वक्त किया था, ये कंडीशन ड्राइव करते वक्त किया था कि इसके फैक्टर्स बन रहे हैं और उनसे दो लीनियर इक्वेशन बन रही हैं। अगर फैक्टर्स बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करते हैं फैक्टर्स बन जाएं। अगर फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे, वो फिर बाद में सोचेंगे। पहले कोशिश करते हैं कि इसके फैक्टर्स बन जाएं और इससे दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएं। तो ये इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन है हमारे पास सबसे पहला काम मैंने कहा फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कॉमन आ रहा है इन दो में से, इन दो में से आप देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 2x, और अंदर रह जाएगा हमारे पास 5y प्लस 4। और जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से माइनस का 3 और 5y प्लस 4, और एक फैक्टर सेम आ गया है। जो फैक्टर हमारे पास सेम आ गया है उस फैक्टर को कॉमन ले लेते हैं, यानी हम कॉमन ले रहे हैं इसमें से 5y प्लस 4 को। 5y प्लस 4 कॉमन लेकर हमारे पास अंदर रह जाएगा 2x माइनस 3, और जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है तो हम कहते हैं आइदर फर्स्ट 0 है और सेकंड 0 है। फर्स्ट को 0 ले लें, 5y प्लस 4 को 0 ले लें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और 2x माइनस 3 को 0 ले लें तो हमारे पास सेकंड स्ट्रेट लाइन बन गई। तो वो जो दो लाइंस बन रही थी गिवन इक्वेशन से, हमने वो दो लाइंस भी मालूम कर ली हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट 5 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन नंबर 3 है। इक्वेशन है 6x² माइनस 17xy माइनस 3y² प्लस 22x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। काम वही दो करने हैं, एक चेक करना है कि क्या लाइंस बन रही हैं या नहीं, और दूसरा अगर लाइंस बन रही हैं तो उन लाइंस की इक्वेशंस मालूम करनी है। पहला काम करते हैं, और उसके लिए हमें इस डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 देखना है आता है या नहीं आता। उसके लिए x² का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर a होगा। x² का कोफिशिएंट गिवन इक्वेशन में क्या है हमारे पास, x² का कोफिशिएंट 6 है, यानी a की वैल्यू 6 हो गई। जो y² का कोफिशिएंट है वो b होता है, तो यहाँ y² का कोफिशिएंट -3 है, b की वैल्यू -3 हो गई। जो xy का कोफिशिएंट है वो 2h है, यहाँ पर -17 है, तो 2h हमारे पास माइनस का 17 और h की वैल्यू -17/2 हो गई। और x का कोफिशिएंट 2g है, 2g की वैल्यू 22, तो 2 से डिवाइड कर लें, g की वैल्यू 11 आ गई। y का कोफिशिएंट 2f वो यहाँ पर 10 है, 2f की वैल्यू 10 और 2 से डिवाइड कर लें तो f की वैल्यू 5 आ गई। और कांस्टेंट टर्म जो है वो c है, और वो यहाँ पर -8 है, c की वैल्यू हमारे पास -8 हो गई। हमने a, b, h, g, f और c मालूम कर लिए हैं। अब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, वही आपके सामने लिखा हुआ है, a, h, g, h, b, f और g, f, c। अगर ये डिटरमिनेंट सॉल्व होकर 0 आ गया तो पेयर ऑफ लाइंस बन रही हैं, फिर वो पेयर ऑफ लाइंस निकालेंगे। और अगर 0 ना आया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, लाइंस नहीं बन रही होंगी, हम वहीं पर क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे।
चेक करते हैं ए की ए एच जी एफ सी की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आपके सामने लिखी हुई है। मैंने ए बी एच जी एफ सी की वैल्यूज पुट कर ली हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट भी आपको आसानी के साथ सॉल्व करना आता है, मैं इस दफ़ा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 6 की ब्रैकेट में आ जाएगा 24, 4 माइनस 25 माइनस फार्मूले का माइनस 17 बाई 2 आ जाएगा, और माइनस 17 बाई 2 की ब्रैकेट में आ जाएगा 68 माइनस 55 और प्लस 11 की ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास माइनस 85 बाई 2 और माइनस फार्मूले का, और एक माइनस यहाँ से आ जाएगा प्लस हो जाएगा 33। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और पहली टर्म हमारे पास माइनस 6 की आ गई, सेकंड में माइनस माइनस प्लस हो गया 17 बाई 2 और 17 बाई 2 की ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 13 और लास्ट टर्म प्लस 11 इंटू ये 66 हो जाएगा 2 एलसीएम लेने से, और 66 और माइनस का 85 जो है माइनस का 19 बन जाएगा। तो 2 इसका एलसीएम ले लिया और ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होके हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। और इस डिटर्मिनेंट के आंसर 0 आने का क्या मतलब हुआ कि जो गिवन इक्वेशन है उससे पेयर ऑफ लाइंस बन रही हैं। तो क्वेश्चन का एक हिस्सा हमने कर लिया, शो कर लिया कि गिवन इक्वेशन से पेयर ऑफ लाइंस बन रही हैं। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे हिस्से में वो पेयर ऑफ लाइंस हमने मालूम करनी है, और पेयर ऑफ लाइंस मालूम करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा कोशिश करेंगे कि फैक्टर्स बन जाएं। इस दफ़ा हमारे पास टर्म्स ज़्यादा हैं, हमारे लिए फैक्टर्स बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। और जब भी आप देखें कि ज़्यादा टर्म्स हों, फैक्टर आसानी से ना बन रहे हों, और ख़ास तौर पर बीच में एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से कोई एक टर्म ज़रूर मौजूद हो, अगर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से कोई एक टर्म मौजूद हो तो आप उसे या तो एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें या वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें और क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें, या आप उसे एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, वाई को ज्यूम करें जैसे कॉन्स्टेंट है, या उसे वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें और एक्स को ज्यूम कर लें जैसे कॉन्स्टेंट है और क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें। ऑब्वियसली यकीनन ये गारंटी हो चुकी है कि उससे पेयर ऑफ लाइंस बननी है, तो यकीनन आपके पास स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक फार्मूले का ख़त्म हो जाएगा और दो लीनियर इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे यही मेथड अडॉप्ट करने लगा हूँ और मैं इसको इस वक्त फ़र्ज़ करें एक्स के रिस्पेक्ट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने लगा हूँ। तो इसको एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हुए सबसे पहले हम इसमें से एक्स स्क्वायर की टर्म लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है 6x2। इसके बाद हम एक्स वाली टर्म्स लिखेंगे और एक्स वाली ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से एक्स को कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा माइनस 17y प्लस 22x, और फिर बगैर एक्स वाली टर्म्स, बगैर एक्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सब को हम कॉन्स्टेंट समझेंगे, और वो हमारे पास यहाँ पर हैं माइनस 3y² प्लस 10y और माइनस 8। इन तीनों को लिख लेते हैं, प्लस के बाद माइनस 3y² प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और इस पे अप्लाई कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास a है, ये सारी एक्सप्रेशन हमारे पास b है, और ये जो है हमारे पास ये सारी एक्सप्रेशन हमारे पास c है। अब a, b और c हमारे पास मौजूद हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें मालूम है, क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और इसको हल कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x की वैल्यू माइनस b, b हमारे पास है माइनस 17y प्लस 22 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के नीचे आता है b का स्क्वायर, यानी माइनस 17y प्लस 22 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है हमारे पास 6 और c की वैल्यू है हमारे पास माइनस 3y² प्लस 10y माइनस 8 ओवर 2a, और a हमारे पास 6 है। ये 2 6 12 बन जाएगा, इसको लेफ्ट पर ले आते हैं, यहाँ पर 12x आ गया, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17y माइनस 22, और स्क्वायर रूट के नीचे एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं
एक बात कंफर्म है कि ये यकीनन वाई के वाई में कंप्लीट स्क्वायर बनेगी, वाई में कंप्लीट स्क्वायर बनेगी, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएंगे और फाइनली ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, प्लस माइनस की वजह से दो इक्वेशन बन जाएंगी यानी पेयर ऑफ लाइंस बन जाएंगी। स्क्वायर हल करते हैं, 17 का स्क्वायर 289 वाई स्क्वायर हो गया, 22 का स्क्वायर जो है वो 484 हो गया और डबल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 748 वाई आ गया और ये माइनस का 24 हो जाएगा और इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 72 वाई स्क्वायर, माइनस का 240 वाई और माइनस माइनस प्लस 92 हो जाएगा। तो 12x इज इक्वल टू 17y माइनस 22, यहाँ तक तो एज इट इज। स्क्वायर रूट के नीचे जो रकमें प्लस माइनस हो सकती हैं, कौन सी प्लस माइनस हो सकती हैं, 289y स्क्वायर और 72y स्क्वायर, ये दोनों प्लस हो गए, 361y स्क्वायर आ गया और माइनस का 748y और माइनस का 240y, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे हमारे पास माइनस का 988y और 484 और 192 ये दोनों ऐड होकर हमारे पास आ जाएंगे 676। और ये मैंने जैसे कहा था कि कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है भला, और ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है 19y माइनस 26 का, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास आ गया 12x इज इक्वल टू 17y माइनस 22 और प्लस माइनस, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और ये आ गया 19y माइनस 26। एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे। जब माइनस के साथ लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 19y और प्लस का 26 आ जाएगा। 12x तो एज इट इज, 17y और 19y ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा 36y, माइनस का 22 और माइनस का 26 ये बन जाएगा माइनस का 48 और 12x प्लस का 17y और माइनस का 19y ये आ जाएंगे माइनस का 2y, माइनस का 22 और प्लस का 26 ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, यही दो हमारे आंसर हैं, इनके अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और की जा सकती है। इस इक्वेशन को आप 12 से डिवाइड कर सकते हैं, जब आप इसको 12 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y माइनस 4 और स्टैंडर्ड शेप लिख लेते हैं तो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म्स लेफ्ट पर शिफ्ट कर लें, हमारे पास हो जाएगा x माइनस 3y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है जो पेयर ऑफ लाइंस हमने बनानी थी और ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 2 से, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x इक्वल्स टू माइनस वाई और प्लस का 2 और इसको भी स्टैंडर्ड शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, y को और 2 को लेफ्ट पर शिफ्ट कर लेते हैं, जब इनको लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे तो 6x प्लस वाई और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास क्या आ गई है, दूसरी लाइन आ गई है। तो हमने जो दो इक्वेशंस मालूम करनी थी लाइन की वो दोनों इक्वेशंस मालूम कर ली हैं। तो आखिर में एक दफ़ा जल्दी से ओवरव्यू कर देता हूँ क्वेश्चन का, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, जनरल इक्वेशन थी टू वेरिएबल्स में, हमने चेक ये करना था कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही, हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए एच जी एफ सी मालूम किए, इस डिटर्मिनेंट में ए एच जी एफ सी की वैल्यूज पुट की, आंसर ज़ीरो आ गया, आंसर ज़ीरो आने का रिजल्ट ये निकला कि ये पेयर ऑफ लाइंस बन रही हैं, एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा क्वेश्चन का ये था कि अगर पेयर ऑफ लाइंस बन रही हैं तो वो लाइंस मालूम करें, लाइंस मालूम करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को कंसिडर किया, इसके मेरे से फैक्टर्स नहीं बन रहे थे, मैंने इसे x में क्वाड्रेटिक बना लिया, एक्स स्क्वायर लिख लिया, x लिख लिया बगैर x के लिख लिया और मैंने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया, मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं यानी दो स्ट्रेट लाइंस बन गई हैं। आप चाहें तो इसे y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के x को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। एक बात कन्फर्म है कि ये स्क्वायर रूट के नीचे वाली चीज़ जो है ये यकीनन परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगी और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो दो लीनियर इक्वेशन आएंगी
और ये श्योरिटी हमें कौन दे रहा है, ये श्योरिटी हमें ये वाले डिटरमिनेंट का जो आंसर जीरो आया था वहां से मिल रही है, कंफर्म है कि पेयर ऑफ लाइंस बननी है।